स्वीडन ने जो रिसर्च और इनोवेशन का काम किया है उसमें स्वाभाविक तौर से बहुत सारे नई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो भारत के काम आ सकती हैं। स्वीडिश टेक्नोलॉजीज़ जब स्वीडन में बनती हैं तो महंगी भी होती हैं, लेकिन वही टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया के तहत भारत में जब बनाते हैं तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। तो अलग अलग पहलू पे चर्चा चल रही है कैसे भारत और स्वीडन मिलके स्वीडन की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भारत की क्षमता और कौशल को का मेल बिठा के भारत की जनता को भी सर्व कर सके और विश्व में भी इसका स्वीडिश टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सके। लगभग 5,150 स्टेशन तो ऑलरेडी वाईफाई की सुविधा यात्रियों को भी और अपने आसपास रहने वाले बच्चों को, महिलाओं को, किसानों को, सबको हमने खोल रखा है कि वो आके इस वाईफाई की सुविधा ले सकते हैं और देश और दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं। CII के साथ भी मैंने बातचीत की है कि वो कॉरपोरेट स्पॉन्सर्स हमें एक एक स्टेशन पर दिलाए, जो दूर दराके के इलाके, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे लोकल बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, किसानों को, महिलाओं को स्टेशन पे लाके ट्रेन करें, जिससे वो स्टेशन एक हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बन सके। ये चीज़ बढ़ के लगभग 5,500 स्टेशन तक अगले 6-8 महीने में हो जाएगी और हमारी कोशिश है कि सभी 6,500 स्टेशन तक ये वाईफाई की सुविधा इसी साल के अंत तक पहुंच जाए।